हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज सुबह आपके पर्सन आपको याद करके कैसा फील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, यही देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए है। ओके, यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं नाइट ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ये पर्सन आज सुबह से ही काफ़ी सोच विचार में लगे हैं आपके इनके रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास जो हमारे पास नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये इस बात को इंडिकेट भी कर रहा है कि ऐसा लगता है इस पर्सन ने ठान लिया है दिल में कि आप इसका ट्रू लव हैं और ये जो कप है ना प्यार का, ये आप ही को देंगे, यानी अपना दिल ना आप ही को देने वाले हैं ये पर्सन। भले ही इस पर्सन ने अब तक इकरार ना किया हो, बट हाँ अब इस पर्सन के दिल में ये बात है कि ये आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करें, आपको बताएं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। आज सुबह इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स और प्यार है ना, वो इस पर्सन को अब महसूस होने लगा है कि ये बढ़ता ही जा रहा है। जितना भी ये पर्सन आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनके दिल में जो प्यार है ना वो कम नहीं हो रहा, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया है कि अब आपको अपनी फीलिंग्स ना एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं, यानी आपको प्रपोज करने का सोच रहे हैं ये पर्सन आज सुबह। और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कार्ड द हैंग्ड मैन है। तो काफ़ी टाइम से ये पर्सन सोच विचार में लगा हुआ था, काफ़ी इसने सोचा है, समझा है, बहुत अच्छे से जाना है, तब जाकर इस पर्सन को यही एहसास हुआ है कि ये आपसे प्यार करते हैं। और अभी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स से और ज़्यादा नहीं भाग सकते, तो इस पर्सन ने मान लिया है कि हाँ, इस पर्सन को भी आपसे प्यार हुआ है। अगर ये पर्सन ना अब तक भागते आ रहे थे अपनी फीलिंग्स से कि ये मानने के लिए रेडी ही नहीं थे कि इन्हें प्यार भी है आपसे, ये एक अटैचमेंट मान रहे थे इस रिलेशनशिप में, जो भी एफर्ट्स डालते थे ये इसीलिए कम पड़ते थे क्योंकि ये पर्सन मान ही नहीं रहा था कि ये आपसे प्यार भी करता है। बट अब इस पर्सन ने ना अपने दिल में अच्छे से समझ ली है ये बात कि हाँ, ये सच में आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि ये आपके बिना अब नहीं रह पाएंगे, इनको भी ऐसा लगने लग गया है। अब ये पर्सन ना आपको ऑफ़र करना चाहते हैं और एक स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कार्ड जो है ना पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो अब ये पर्सन चाहता है कि आपको प्रपोज करे, या तो ये पर्सन ना आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, एंगेजमेंट के लिए प्रपोज कर सकते हैं, कोई ना कोई प्रपोजल इस पर्सन का आपको मिलने जा रहा है। और आज सुबह ये पर्सन इसी सारी चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से आपके लिए एक्शन लें, किस तरह आपको प्रपोज करें, किस तरह आपसे मिलें, किस तरह कांटेक्ट करें। तो यहाँ ये सारी ही चीज़ें इस पर्सन के माइंड में आज सुबह भी चल रही हैं और ये आपको मिस कर रहे हैं और आपके लिए जो प्यार फील कर रहे हैं, बस अब इनके दिल में है कि ये आपको बताएं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको जाहिर करें। ये सारी ही चीज़ें इस पर्सन के दिल और दिमाग में आज सुबह मैं देख पा रही हूँ। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।